ऑलराइट गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पेट सोल्स में। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल डॉग ब्रीड, और जो दुनिया की सबसे छोटी रिकॉग्नाइज डॉग ब्रीड में से एक है वो है चिहुआहुआ। आज की डॉग ब्रीड दुनिया की सबसे छोटी डॉग ब्रीड है और ये सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग वाली डॉग ब्रीड है, जिसका लाइफ स्पैन अराउंड 17 to 21 ईयर्स तक का होता है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा जीने वाली डॉग ब्रीड में से एक है और दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट डॉग ब्रीड है ये। चिहुआहुआ जो है वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक एप्पल हेड होता है और एक होता है डियर हेड। डियर हेड का जो सर होता है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है और एप्पल हेड का राउंडेड शेप में होता है थोड़ा सा। चिहुआहुआ जब पैदा होते हैं तब अगर आप इनके सर पे कुछ दिनों में हाथ लगाए तो इनका सर बीट करते रहता है। जैसे कि जब ह्यूमंस में भी बच्चे पैदा होते तो 6 महीने के अंदर के बच्चों के सर पर अगर आप हाथ लगेंगे तो आपको भी हल्की सी बीट महसूस होंगी, वैसे डॉग में भी चिहुआहुआ ब्रीड में सर पे हाथ रखने के बाद उसके सर से बीट महसूस होती है। ये चिहुआहुआ डॉग ब्रीड छोटे होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव भी होती है। अगर आप इनको इरिटेट कर दे तो ये एग्रेशन में आ जाती है, और जैसे कि बहुत सारे छोटी डॉग ब्रीड्स है वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है और उनका टेम्परामेंट का कुछ कह नहीं सकती कब वो एग्रेसिव हो जाएंगी या फिर कभी वो कूल है। तो इस कारण उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, और अगर आपके घर पर चिहुआहुआ लेना चाहते तो आप उनको बच्चों से दूर रखिए इस कारण, क्योंकि आपके बच्चों को भी उन डॉग से खतरा हो सकता है। अगर डॉग इरिटेट हो गया तो वो बच्चे पर अटैक भी कर सकता है, और अगर बच्चा उसके साथ रफ प्ले कर रहा है तो डॉग को भी नुकसान हो सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि चिहुआहुआ का टेम्परामेंट कैसा होता है। तो चिहुआहुआ जो होते हैं सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल होते हैं और एकदम हाईली एनर्जेटिक होते हैं। ये अपने ओनर से बहुत ही प्यार करते हैं और उनके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। अगर वो बेड पे जाए, सोफा पे बैठे या फिर कहीं भी घर में रहे तो उनके पीछे पीछे घूमना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वैसे तो देते डॉग ब्रीड बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है पर ये उतनी ही ज़्यादा ब्रेव होती है, यानी कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। जैसे अगर आप इनको रोड पे घुमाने के लिए लेके जाए तो अगर इनको कोई दूसरा डॉग मिल जाए तो उन पर ये भोंकते रहेंगे और उन पर अटैक करने के लिए भी भाग सकते हैं। तो आप इनको बाहर लेके जाने के वक्त अच्छे से संभाल के लेके जाइए, लीश लगा के लेके जाइए, और डॉग को बहुत ही केयरफुली रखिए क्योंकि ये बहुत ही छोटे डॉग ब्रीड होते हैं इसलिए इनको भी खतरा होता है, और अगर ये एग्रेशन में आ जाए तो किसी पर भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए जिस पर अटैक करने वाले हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। वैसे तो ये डॉग ब्रीड घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और अगर आप अपार्टमेंट में रहते तो ये डॉग ब्रीड आपके लिए बहुत ही अच्छी है। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं डॉग के वेट, हाइट, बॉडी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं किसी वीडियो में इसकी बात नहीं करता था, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं और यूट्यूब पर कई सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे जिसमें डॉग्स के हाइट, बॉडी और वेट के बारे में बताते हैं। तो हम इसमें डॉग के टेम्परामेंट के बारे में बताते हैं, उसको कैसा सिलेक्ट करना है इसके बारे में बताते हैं, और डॉग कि सिर्फ यही बातें बताते जो आपको डॉग को सिलेक्ट करने में आपकी मदद करेंगी, ना इधर उधर की बातें बताने से अच्छा है कि आपको सिर्फ अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताया जाए जिससे कि आप डॉग को परफेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, और चैनल की सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वो घंटे वाला बटन भी दबा दीजिए। तो चिहुआहुआ जो है वो दो टाइप्स में आने के साथ साथ दो कोट्स में भी आते हैं, वो है लॉन्ग कोट और शॉर्ट कोट। शॉर्ट कोट चिहुआहुआ के ऊपर कम बाल होते हैं, जैसे कई सारे डॉग ब्रीड्स में आपको देखा होगा कि दो टाइप्स के होते हैं, एक शॉर्ट कोट होता है और एक लॉन्ग कोट होता है। तो चिहुआहुआ में भी दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये डियर हेड चिहुआहुआ है और ये शॉर्ट कोट में, और ये लॉन्ग कोट चिहुआहुआ है और ये एप्पल हेड चिहुआहुआ है। जो चिहुआहुआ डॉग ब्रीड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और छोटी होती है, और वैसे जितनी छोटी होती है उनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है, और चिहुआहुआ डॉग ब्रीड का प्राइस अराउंड 30 to 40 thousand के आसपास आता है। वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर आपके आसपास चिहुआहुआ अवेलेबल नहीं है, या फिर बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाले अवेलेबल है तो इससे भी ज़्यादा प्राइस जा सकता है। पर अगर आपके पास अवेलेबल है और थोड़े कम प्राइस में मिलते तो आपके लिए बहुत ही अच्छी डॉग ब्रीड बन सकती है। तो चिहुआहुआ का मैक्सिमम वेट 4 to 5 kg तक जाता है, और अगर आप उसको ओवर फीड करते तो मैक्सिमम 6 किलो तक जाता है, उससे ऊपर चिहुआहुआ का वेट कभी जाता है नहीं।
और अगर हाइट की बात करते तो 8 से 10 इंच के बीच में उसकी हाइट होती है। और अगर कुछ जीन्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या फिर कोई अच्छे क्वालिटी का हो तो थोड़ी बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो बस यही थे हाइट और बॉडी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। तो अब बात करते हैं वीडियो के सबसे मेन पॉइंट की कि हमको चिवावा डॉग रखने के बाद कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी या फिर डॉग को कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या। तो ये सवाल भी बहुत जनों ने पूछा था कि चिवावा रखने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है क्या या फिर डॉग्स को कोई प्रॉब्लम होती है क्या। तो मेरे हिसाब से तो डॉग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप उनको अच्छे से रखते हैं तो। चिवावाज वैसे तो इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होते हैं और बातें थोड़ी जल्दी मान लेते हैं, पर इनको ट्रेनिंग वेनिंग की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये घर में ही रहते हैं और आपकी बातों से ये सराउंडिंग को समझ लेंगे, आपकी बातों को समझ लेंगे, तो इनको ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत ही अच्छे किस्म के वॉच डॉग होते हैं और इनका लाइफ स्पैन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये आपके साथ कई सालों तक रहेंगे कंपेनियन बन के और आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे और आपको ये हमेशा प्यार देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को प्यार दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए। सो गुड बाय गाइज। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता है कि क्या करना है, वो घंटी का बटन दबा देना है ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वैसे समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो चलते हैं।